हाय, मैं हूँ नाइस आलम, टेरागत किशनगंज से। एएमयू किशनगंज को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। इसके लिए 20 नवंबर 2018 को एक धरना यानी आंदोलन रखा गया है। ये किसी राजनीतिक मंच के लिए नहीं बल्कि एएमयू को बचाने के लिए रखा गया है। हम सबको चाहिए कि इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, इस धरने को सफल बनाएं और एएमयू किशनगंज को बचाएं। एएमयू किशनगंज की बदहाली के लिए आज कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ धोखा तो किया ही, साथ साथ हमारी भी कमजोरी थी कि हम उससे सवाल नहीं कर पाए। एएमयू किशनगंज का फंड लाने के लिए किसी से कुछ सवाल जवाब नहीं किए प्रतिनिधियों से, और हम सब चुप हैं। अगर हम सब ऐसे ही चुप रहेंगे तो एएमयू किशनगंज को बंद होने में देर नहीं लगेगी और आने वाली नस्ल हमें इसको लिए कभी माफ नहीं करेगी। धन्यवाद। आप सब एएमयू किशनगंज के बचाने के लिए आ गए, और मैं मीडिया को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस अनोखी पहल की शुरुआत उन्होंने की है। धन्यवाद। अगर आप खामोश हैं तो एएमयू किशनगंज की बदहाली के लिए आप भी जिम्मेदार हैं। सर सैयद डे के मौके पर आइए हम सब मिलकर एएमयू किशनगंज के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। कैसे करें इस चीज़ को? 2 से 3 मिनट का एक वीडियो क्लिप बनाइए एएमयू किशनगंज के बारे में। आपके दिल में जो भी दर्द है उसे बयां कीजिए उस वीडियो में, और इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए।